हेलो गाइस, फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारा चैनल स्टॉक मार्केट अड्डा में। तो दोस्तों, राकेश झुनझुनवाला जी की पोर्टफोलियो का और एक स्टॉक के बारे में डिस्कशन करेंगे जिसका नाम बड़ा है। आप देख सकते हो शॉर्ट नेम इसका DCAL है। 90 रुपये में सिर्फ आपको मिल रहे हैं। आज की डेट में पॉजिटिव रिटर्न दिया है। कंपनी NSE BSE दोनों में लिस्टिंग है। क्या शेयर को खरीदना चाहिए, क्या शेयर ऊपर जाएगा या नीचे गिर जाएगा, फंडामेंटल कैसा है दोस्तों। शॉर्ट टर्म में यहाँ पर लॉन्ग टर्म में सेल करने के लिए बोला जा रहा है। फंडामेंटली वीक है और दोस्तों शॉर्ट टर्म में न्यूट्रल है लेकिन लॉन्ग टर्म में नीचे जाने वाला है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका फंडामेंटल चेक करेंगे। यहाँ पर तो हम लोग को नेगेटिव नजर आ रहा है। फंडामेंटल देखेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे ये शेयर का टारगेट क्या रहेगा, क्योंकि बिग बुल पोर्टफोलियो में ये शेयर अवेलेबल है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग को नजर आ रहा है कंपनी में रिस्क कम है, स्मॉल मार्केट कैप है, हेल्थ केयर में कंपनी काम करता है, जो कि अच्छा बात है। अगर हम लोग डिटेल्स में शेयर को चार्ट पैटर्न में देखेंगे तो यहाँ पर आज की डेट में पॉजिटिव रिटर्न है। 5 डे में डाउनफॉल है, 1 मंथ में डाउनफॉल है, 6 मंथ में 26% की डाउनफॉल कंपनी दिया है। अगर मैं आपको मैक्सिमम नहीं 5 ईयर की चार्ट पैटर्न दिखा दूँ तो 59 रुपीज से ए शेयर 200 तक गया था। इस बीच एक शानदार रिटर्न दिया था और आप देखोगे ओवरऑल डाउनफॉल में कंपनी मिल रहा है। मैक्सिमम देखोगे 72% की डाउनफॉल है। 334 करके लिस्टिंग हुआ था, 400 तक गया, उसके बाद गिर गया, फिर से ऊपर गया, फिर से गिर गया, फिर से ऊपर गया, अभी नीचे मिल रहा है। क्या है सर, ऊपर जा सकता है, ओवरऑल तो डाउनफॉल में मिल रहा है। अगर हम लोग डिटेल्स में कंपनी को देखेंगे, कंपनी BSE और NSE दोनों में लिस्टिंग है। बहुत ही स्मॉल मार्केट कैप रखा है, 1400 करोड़ का। स्टॉक भी नेगेटिव है, बुक वैल्यू से बहुत ही नीचे शेयर मिल रहा है। ROC ROE देख सकते हो, फेस वैल्यू 2 का है, डिविडेंड नहीं देता है। हाई लो देख सकते हो, 2000 करोड़ का कर्ज है लेकिन रिजर्व रखा है, एसेट भी ठीक ठाक रखा है। कंपनी प्रॉफिट में नहीं चल रहा है, फ्री कैश नहीं रखा है लेकिन वॉल्यूम ठीक ठाक है, नेटवर्क थोड़ा रखा है। अर्निंग पर शेयर नेगेटिव है और दोस्तों आप देखोगे डेट टू इक्विटी 0.37 है, यानी कंपनी फंडामेंटली हम लोग को वीक नजर आ रहा है अभी तक। आप देखोगे फार्मास्यूटिकल में काम करता है और ये कंपनी 8 नंबर पर आता है। क्वार्टरली परफॉर्मेंस देखोगे ठीक हुआ है, ऑपरेटर प्रॉफिट डाउन, नेट प्रॉफिट माइनस। ईयर वाइज देखोगे कारोबार सही हुआ है, ऑपरेटर प्रॉफिट डाउन, नेट प्रॉफिट माइनस हुआ है, यानी दोस्तों दोनों टाइम कंपनी नेगेटिव प्रॉफिट जनरेट किया है। तो ये शेयर से आप दूरी बनाए रखो। उसके अलावा अर्निंग पर शेयर डाउन, डिविडेंड नहीं देता है, सेल ग्रोथ पॉजिटिव, प्रॉफिट ग्रोथ पॉजिटिव, CGR नेगेटिव, रिटर्न ऑन इक्विटी पॉजिटिव। एसेट देखोगे एसेट में दोस्तों ग्रोथ है, नेट कैश फ्लो यहाँ पर माइनस है। होल्डिंग देखोगे तो प्रमोटर यहाँ पर 59, FI वाले 6.20, DI वाले 4.26, पब्लिक यहाँ पर 30%। तो सारा पैरामीटर को देखने के बाद कंपनी वीक नजर आ रहा है, शेयर से दूरी बनाए रखो। तो होप करता हूँ इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आए होगी। पसंद आएगी दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कोई नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।